नेपाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। नेपाल पर्वतमाला सतपुड़ा का पूर्वी हिस्सा बनाती है। यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं और इन जंगलों में मुख्यतः दो जनजातियाँ बैगा और गोंड निवास करती हैं। इन पहाड़ियों से अनेक धाराएं निकलती हैं जो नर्मदा और वैनगंगा की सहायक नदियों का काम करती हैं। ये पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के कबीरधाम और मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले में फैली हैं। क्या आपको पता है कि अरावली पहाड़ियाँ किन राज्यों में फैली हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान या CRRI कहाँ स्थित है? कटक, त्रिवेंद्रम, बर्धमान, कोलकाता। CRRI की शुरुआत 1966 में हुई थी। ये संस्थान इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंतर्गत आता है और कटक में स्थित है। इसके अलावा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी एक चावल अनुसंधान केंद्र है जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च IIRR के नाम से जाना जाता है। क्या आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र किस देश में स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमाएं साझा करता है? भूटान, चीन और म्यांमार, म्यांमार, बांग्लादेश और चीन, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, इनमें से कोई नहीं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भारत में असम और नागालैंड से लगती है। अगर बात करें पड़ोसी देशों की, तो अरुणाचल प्रदेश इन तीन देशों चीन, भूटान और म्यांमार के साथ 1817 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इनमें से 1129 किलोमीटर की सीमा चीन के तिब्बत राज्य से लगती है। क्या आपको पता है कि म्यांमार के साथ भारत के कौन-कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ लगभग समान होती है? भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, आर्कटिक रेखा पर, ऐसी कोई भी जगह नहीं है। भूमध्य रेखा साल भर सूरज के सापेक्ष समान जगह पर बनी रहती है, जिसकी वजह से दिन और रात बराबर अवधि के होते हैं। भूमध्य रेखा से दूर जाने पर दिन और रात का अंतर बढ़ता चला जाता है। ध्रुवों पर यह अंतर इतना हो जाता है कि यहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। क्या आपको पता है कि मंगल ग्रह पर कितने घंटे का दिन होता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? कन्याकुमारी, कालीमियर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या कोवलम? अगर बात करें भारतीय मेनलैंड की, तो इसका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इसको पहले पिगमेलियन पॉइंट नाम से जाना जाता था। यहाँ से इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप केवल 145 किलोमीटर दूर है। क्या आपको पता है कि अंडमान और निकोबार में पाए जाने वाले ज्वालामुखी का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में बताएं। मशरूम पत्थर मिलते हैं। ऑप्शन 1, नदियों के डेल्टा में। ऑप्शन 2, समुद्र के किनारों पर। ऑप्शन 3, रेगिस्तान में। ऑप्शन D, हिमालय में। 2 से 3 मीटर ऊंचाई के ये पत्थर रेगिस्तान में हवा द्वारा लगातार हजारों सालों के क्षरण और अपरदन से बनते हैं। मशरूम की आकृति के कुछ पत्थर ग्लेशियर द्वारा अपरदन से भी बनते हैं, लेकिन ग्लेशियर द्वारा बने मशरूम पत्थर दो अलग अलग पत्थरों के मिलने से बनते हैं, जबकि रेगिस्तान में ये एक ही पत्थर से बनते हैं। क्या आपको पता है कि गोखुर झील या ऑक्स बो लेक किसके द्वारा बनती है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में वो कौन सी पहाड़ियां हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? सतपुड़ा, नीलगिरी, विंध्य या अरावली? 1600 किलोमीटर लंबी पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट से नीलगिरी पर्वतमालाओं में मिलती हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम दोदाबेट्टा है। नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास कुल 3 प्रमुख नेशनल पार्क मिलते हैं, जो हैं मुदुमलाई, मुकुर्थी और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। क्या आपको पता है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में बताएं। स्वेज नहर निम्न में से किन दो सागरों को जोड़ती है? ऑप्शन 1,
भूमध्य सागर और लाल सागर, ऑप्शन टू बाल्टिक और कैस्पियन सागर, ऑप्शन थ्री लाल सागर और कैस्पियन सागर, ऑप्शन फोर भूमध्य और उत्तरी सागर। स्वेज नहर की लंबाई 193 किलोमीटर है। यह दुनिया के सबसे व्यस्ततम रास्तों में से एक है। यहाँ से हर दिन 40 से 50 बड़े बड़े कंटेनर शिप गुजरते हैं। एक कंटेनर शिप की लंबाई 300 मीटर से आधे किलोमीटर तक होती है। स्वेज नहर 1869 में बनकर तैयार हुई थी। इसने भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ दिया, जिससे अफ्रीका को घूमकर जाने की ज़रूरत खत्म हो गई। क्या आपको पता है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? कमेंट बॉक्स में बताएं। मानव द्वीप निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन वन क्यूबा और जमैका, ऑप्शन टू मलेशिया और इंडोनेशिया, ऑप्शन थ्री फ्रांस और इंग्लैंड, ऑप्शन फोर उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड। आइल ऑफ मैन या मानव द्वीप आयरिश समुद्र में स्थित एक द्वीप है, जो इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड के बीच में है। वैसे तो यहाँ का शासन पूरी तरह से यहाँ के लोगों के हाथ में है, लेकिन इनका डिफेंस का अधिकार ब्रिटेन के पास है। इसको यूनेस्को ने 2016 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। क्या आपको पता है कि अंडमान और निकोबार के किस द्वीप पर लोगों का आना जाना पूरी तरह वर्जित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, कनाडा या रूस? उत्तरी अमेरिका की पांच बड़ी झीलों को ग्रेट लेक्स बोला जाता है। ये झीलें हैं ओंटारियो, मिशिगन, ह्यूरोन, एरी और सुपीरियर। सरफेस एरिया के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील सुपीरियर यूएसए और कनाडा दोनों के साथ सीमा साझा करती है, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा यूएसए में पड़ता है, इसलिए यहाँ यूएसए उत्तर सही है। क्या आपको पता है कि भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? ऑप्शन वन जोहान्सबर्ग, ऑप्शन टू सिंगापुर, ऑप्शन थ्री न्यूयॉर्क, ऑप्शन फोर लंदन। सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं के व्यापार के लिए कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट्स होती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मेटल एक्सचेंज मार्केट लंदन मेटल एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1877 में की गई थी। शुरुआत में यहाँ केवल कॉपर का ट्रेड होता था, लेकिन कुछ समय में ही जिंक और लेड का भी ट्रेड होने लगा। आज यहाँ पर लगभग सभी धातुओं का व्यापार होता है। क्या आपको पता है कि भारत का लौह अयस्क के उत्पादन में कौन सा स्थान है? कमेंट बॉक्स में बताएं। न्यू ब्रिटेन तथा न्यू आयरलैंड निम्न में से किस देश के भाग हैं? यूएसए, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। न्यू ब्रिटेन और न्यू आयरलैंड पापुआ न्यू गिनी में स्थित दो द्वीपों के नाम हैं। इन दोनों के नाम शुरुआती यूरोप उपनिवेशवादियों ने रखे थे। इनके अलावा यूएसए में 6 राज्यों मेन, वर्मांट, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड और कनेक्टिकट को मिलाकर न्यू इंग्लैंड कहा जाता है। यूएसए में सबसे पहले आने वाले अंग्रेज़ों ने 1620 में मैसाचुसेट्स में बसना चालू कर दिया था। क्या आपको पता है कि उसको आज़ादी किस वर्ष में मिली थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? कलोल, अंकलेश्वर, मेहसाना या डिगबोई? भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों में पाए जाने वाले ज्यादातर तेल क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी घाटी और उसके आसपास के इलाकों में मिलते हैं। इनमें से असम की डिगबोई, नाहरकटिया और मोरन हुगरीजन प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। इन तीनों में से भी डिगबोई सबसे जाना माना तेल क्षेत्र है और यहाँ पर एशिया का सबसे पुराना तेल का कुआं स्थित है। इसके अलावा अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाना और सानन जैसे तेल क्षेत्र गुजरात में मिलते हैं। क्या आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन किस जगह से होता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है? ऑप्शन वन लगभग 20 किलोमीटर, ऑप्शन टू लगभग 26 किलोमीटर, ऑप्शन थ्री
लगभग 32 किलोमीटर या ऑप्शन फोर लगभग 42 किलोमीटर। कर्क रेखा का नाम कर्क तारामंडल के नाम पर पड़ा है। 36,788 किलोमीटर लंबी कर्क रेखा कुल 17 देशों से होकर गुजरती है। भारत में ये रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। राजस्थान में इसकी लंबाई करीब 26 किलोमीटर है। ये राजस्थान में कालिंजर से होकर गुजरती है। क्या आपको पता है कि भारत की वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है? कमेंट बॉक्स में बताएं। गोखुर झील निम्न में से किस जगह मिलती है? ऑप्शन वन हेमखंड में, ऑप्शन टू नदी घाटी में, ऑप्शन थ्री बाढ़ क्षेत्र में, ऑप्शन फोर रेगिस्तान में। गोखुर झीलों के नाम से ही पता चल जाता है कि ये झीलें देखने में किसी गाय के खुर की तरह दिखती हैं। इन झीलों को झाड़न झील या चापाकार झील भी बोलते हैं। मैदानी इलाकों में नदियां दाएं बाएं बल खाते हुए एस आकृति में प्रवाहित होती हैं। इस आकृति को विसर्प कहते हैं, लेकिन कभी कभी विसर्प को त्याग कर सीधा रास्ता पकड़ लेती हैं, जिससे विसर्प वाली जगह पर बचा हुआ पानी इन झीलों का निर्माण करता है। क्या आपको पता है कि इस तरह की झीलों का निर्माण नदी की कौन सी अवस्था में होता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? 35,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर, 45,000 किलोमीटर या 6,000 किलोमीटर? भूमध्य रेखा पृथ्वी या किसी और ग्रह के बीच से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है जो ग्रह को दो भागों में बांटती है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई 40,075 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का डायमीटर 12,756 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के अपने स्थान पर घूमने की गति 1,670 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या आपको पता है कि पृथ्वी के ज्यादातर मानव निर्मित उपग्रह भूमध्य रेखा के पास ही क्यों छोड़े जाते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। सांभर झील किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। जयपुर और अजमेर शहरों के बीच स्थित सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये झील हर साल भारत में होने वाले नमक का करीब 9% अकेले ही पैदा करती है। साइबेरिया से आने वाले फ्लेमिंगो को ये झील कुछ समय के लिए शरण स्थल प्रदान करती है। इस वजह से ये भारत का एक महत्वपूर्ण रामसर स्थल है। क्या आपको पता है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है और कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। भारत में प्राकृतिक रबर को 16 से ज्यादा राज्यों में करीब 6 लाख हेक्टेयर में उगाया जाता है। सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन केरल में होता है। केरल अकेले ही भारत का 90% रबर उगाता है। इसके बाद त्रिपुरा, कर्नाटक और तमिलनाडु और असम आते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा रबर थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम द्वारा उगाया जाता है। क्या आपको पता है कि भारत रबर उत्पादन के मामले में दुनिया में कौन से स्थान पर है? कमेंट बॉक्स में बताएं। मिल्पा, रोका और लदांग निम्न में से किस चीज के प्रकार हैं? ऑप्शन वन स्थानांतरण कृषि, ऑप्शन टू खानाबदोश पशुपालन, ऑप्शन थ्री अफ्रीकी देशों में कृषि, ऑप्शन फोर उत्तर भारत की मिश्रित कृषि। सब सहारा अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण अमेरिका के देशों के कुछ इलाकों में खेतों पर कुछ सालों के लिए खेती की जाती है और फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। इस तरह की खेती को स्थानांतरण कृषि बोलते हैं। इससे जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। स्थानांतरण कृषि को अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जानते हैं। इंडोनेशिया में इसे लदांग, मध्य अमेरिका और मेक्सिको में मिल्पा और ब्राजील में रोका बोला जाता है। क्या आपको पता है कि भारत के अलग अलग राज्यों में इसे किस नामों से जानते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस देश में स्थित है? कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, ब्राजील।
येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान 1872 में स्थापित होने वाला दुनिया और अमेरिका का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। 9000 वर्ग किलोमीटर में फैला ये राष्ट्रीय उद्यान अपने कई तरह की पारिस्थितिकी तंत्रों और भूगर्भी क्रियाओं के लिए जाना जाता है। इसको 1978 में यूनेस्को की तरफ से विश्व धरोहर घोषित किया गया। यहाँ पर स्थित येलोस्टोन झील उत्तरी अमेरिका की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित झीलों में से एक है। यहाँ पर येलोस्टोन कालडेरा भी है, जो उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े ज्वालामुखी में बना है। क्या आपको पता है कि कालडेरा झील क्या होती है और कैसे बनती है? कमेंट बॉक्स में बताएं। प्यूगा घाटी निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? उत्तराखंड, केरल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। 1970 के दशक में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत में जियोथर्मल एनर्जी यानी भूतापीय ऊर्जा की जगहों की खोज चालू की और कुल 7 जगहों को पहचाना। इन जगहों में सबसे उपयुक्त जगह हिमालय में लद्दाख के पास स्थित प्यूगा घाटी थी। एक अनुमान के अनुसार इस घाटी में पूरे जम्मू कश्मीर की ज़रूरत का 40% बिजली अकेले पैदा करने की क्षमता है। अभी फिलहाल इस घाटी में एक जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट को लगाने की बातें भी चल रही हैं। क्या आपको पता है कि भारत में प्योगा घाटी के अलावा और किन-किन जगहों पर जियोथर्मल ऊर्जा मिलने की संभावना व्यक्त की गई है? कमेंट बॉक्स में बताएं। पिछले 5 सालों में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन रहा है? चीन, भारत, म्यांमार, वियतनाम। दुनिया में पिछले 5 सालों में चावल का निर्यात करीब 18% बढ़ा है। 2016 में चावल निर्यात का कुल मूल्य 20 अरब डॉलर से बढ़कर 2020 में करीब 25 अरब डॉलर तक जा चुका है। दुनिया का करीब 75% निर्यात किया जाने वाला चावल एशिया में उगाया जाता है। इसके बाद 9% के साथ यूरोप और 8% के साथ उत्तरी अमेरिका का नंबर आता है। अगर बात करें देशों की, तो भारत, थाईलैंड, पाकिस्तान, अमेरिका और वियतनाम दुनिया का 71% चावल निर्यात करते हैं। इनमें भी भारत अकेले ही दुनिया का 32% यानी कुल 8 अरब डॉलर मूल्य का चावल दूसरे देशों को बेचता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि भारत चावल के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। क्या आपको पता है कि भारत में चावल सबसे ज़्यादा किस राज्य में उगाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। राजस्थान नहर में पानी निम्न में से किस नदी से आता है? यमुना, झेलम, रावी, सतलज। भारत की सबसे बड़ी नहर राजस्थान का निर्माण सन 1952 में शुरू हुआ। निर्माण होने के बाद 1984 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया। इस नहर की लंबाई करीब 600 किलोमीटर है। इस नहर की शुरुआत हर के बैराज से होती है, जो सतलज और ब्यास नदी के संगम के कुछ किलोमीटर नीचे स्थित है। इस नहर की समाप्ति थार के रेगिस्तान में होती है। इस नहर के बनने से राजस्थान में हरित क्रांति आई, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ और रेत के टीले स्टेबलाइज हुए। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नहर सिस्टम किस देश में स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। मालदीव और भारत के बीच समुद्री सीमा को निम्न में से क्या बोला जाता है? 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, इनमें से कोई नहीं। दुनिया में कई देशों के बीच की सीमाएं वहां से गुजर रही अक्षांश या देशांतर रेखा के नाम से जानी जाती हैं। उदाहरण के लिए 17th parallel उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच की सीमा थी। 38th parallel उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा है। 49th parallel अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा है। भारत से जुड़ी कुछ इस तरह की रेखाओं में मालदीव और भारत की सीमा को 8 डिग्री चैनल बोला जाता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के मिनिकाय द्वीप को बाकी लक्षद्वीप से अलग करती है और 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करती है। क्या आपको पता है कि इराक और ईरान को कौन सी पैरेलल रेखा अलग करती है? कमेंट बॉक्स में बताएं। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, असम, महाराष्ट्र, तेलंगाना। गोपीनाथ बोरदोलोई एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जो गांधी जी के अहिंसावादी कार्यक्रमों में विश्वास रखते थे। 1921 में असम में कांग्रेस की यूनिट की स्थापना होने पर वो उससे जुड़ गए और 1922 में असहयोग आंदोलन के चलते उनको गिरफ्तार कर लिया गया।
जेल से छूटने के बाद भी उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और स्वतंत्र भारत में असम के पहले मुख्यमंत्री भी रहे। बोरदोलोई के नाम पर ही भोरझार में स्थित हवाई अड्डे को लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम दिया गया है। क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र में मुंबई के हवाई अड्डे का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में बताएं।